हो भोलेनाथ। सो गाइस, हमने कर ली है अल्मोड़ा में एंट्री। अब ये हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। सो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, पहला आप सभी को मेरे चैनल में एक्सप्लोर विद गोलू। सो गाइस, अभी मैं हूँ सीधे पहाड़ से और अभी हम हैं भीमताल से 1-2 किलोमीटर हैं। और आज जैसे कि आज छुट्टी है तो आज हमारी एक राइड बन चुकी है लोकल में ही, मतलब अपने हल्द्वानी से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी में है ये जहाँ हम जा रहे हैं। अभी आपको लोकेशन भी रिवील कर दूंगा। तो अभी मैं हूँ भीमताल से 1-2 किलोमीटर और अभी हम वैसे तो जा रहे हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक मंदिर है कसार देवी करके है, जो कसार गांव में पड़ता है और बहुत रहस्यमयी ये मंदिर है। तो आप भी इसके बारे में सुनोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, आप भी यहाँ आएंगे। पर मैं आपको पहले यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, मैं इसलिए यहीं पर रुका हूँ ताकि आपको यहाँ का व्यू दिखा सकूँ। तो आप हमारे पहाड़ उत्तराखंड का व्यू देखिए गाइस, एक बार ये व्यू देखिए, आप पूरा चेक करिए। सामने ये जो आपको ये बेल्ट दिख रही है, इसके पीछे भीमताल है और यही पूरा भीमताल का जो आपको जितना भी दिख रहा है, घर भीमताल के एरिया में आते हैं सब। पर आप पूरे जो पहाड़ियों की चोटी में देखिए, आप कितना मस्त फॉगी हो रखा, और व्यू देखिए आप, क्लियरिटी देखिए पहाड़ों की कितनी तगड़ी है। और ये अपना हैड़ा खान वाली बेल्ट है इधर, और ये जो रोड जा रही है ये जा रही है हल्द्वानी को, और ये अपना सुसाइड पॉइंट जो कि अब यहाँ पर जाली वाली लगा दी है। तो अभी देखिए मैं इसलिए रुका हुआ था, तो चलते हैं यहाँ से, सफ़र शुरू करते हैं अपना आज का छोटा सा 100 किलोमीटर की राइड का। और आपको भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब पहाड़ों का वेदर इतना बढ़िया हो चुका है। सुबह तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, तो पहले तो ऐसे लग रहा था नहीं जा पाएंगे, पर फिर बारिश रुक गई थी। तो अब हम, मैं और मेरा फ्रेंड है, दो ही जने हैं जो हम मधमहेश्वर वाले ट्रैक में गए थे, वही दो फ्रेंड है जो जा रहे हैं। तो आपको चलिए उससे भी मिलवाता हूँ आगे, और सफ़र शुरू करते हैं और मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग में। सो गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं कैची धाम बाबा नीम करौली के द्वार में। और अभी देखिए आप, आजकल देख सकते हैं, आजकल के अब तो फुल सीज़न ही रहता है यहाँ, मतलब भीड़ भाड़ रहती है। जो बाबा के श्रद्धालु हैं वो यहाँ अब एकदम धाम केदारनाथ की तरह हो गया, भीड़ भड़क्का वाला। और ये अपने सामने श्री कैची धाम बाबा नीम करौली महाराज की जय हो। और पूरा एरिया देखिए, अभी बरसात के टाइम में भी अच्छी खासी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं जय हो गुरुजी महाराज। तो चलिए गाइस चलते हैं, हमें तो और आगे जाना है यहाँ से, अभी हमें सफ़र और करना है, अभी हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा यहाँ से। और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ आ रखी हैं, वैसे 2-3 दिन छुट्टी है तो इस बीच में भी लोग आ रहे हैं, नहीं तो अब बरसातों में पहाड़ों में सीज़न ख़त्म हो जाता है, जितनी भी भीड़ भाड़ रहती है वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की रहता है पहाड़ों में लैंडस्लाइड का। इस वजह से भी आपने कहीं भी देखा होगा हिमाचल उत्तराखंड में बरसातों में टूरिस्ट ख़त्म हो जाता है, बहुत कम मात्रा में आपको टूरिस्ट दिखता है। और ये देखिए पूरा कैची धाम, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था गाइस, सच बोलूँ तो यहाँ बहुत कम दुकानें थी, आप देखिए कितनी दुकानें, होटल वोटल सब खुल गए हैं यहाँ पे एंकर। सो ये जो जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं ये रहता है आपका अल्मोड़ा वाला हाईवे रहता है ये, और इसी के बगल में आपकी चल रही है कोसी रिवर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक आती है। अभी तो जब ठीक नॉर्मल है, जब भयंकर ही बारिश होती है तो ये भयंकर ही भर के आती है, ये भी बहुत तबाही मचाती है। जो ये रिवर है इसने बहुत रोडें तोड़ी है, बहुत नुकसान भी हुआ है यहाँ गवर्नमेंट का। इस ये रोडें तो बिल्कुल बची नहीं थी, अभी ये नई रोडें बन चुकी है, और अभी भी इनमें कितने बहुत साल हो गए हैं, मतलब ये जब ये भयंकर आई थी कोसी रिवर। तो देखिए आप क्या प्यारा मंजर है, और सामने पहाड़ों का व्यू देखिए। देखिए गाइस बिल्कुल बारिश नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ एकदम, देखिए।
सो गाइस बारिश का नाम लिया था और बारिश प्रकट हो चुकी है। अब यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से अब बारिश आ रही है। अब दोबारा रेनकोट पहनना पड़ेगा और तगड़ी बारिश आएगी अब भयंकर वाली। अब अभी तक तो हम पहुँचे भी नहीं है अल्मोड़ा वाले पुल के वहाँ पर, कोहराब के वहाँ पर, कोहराब और कोहराब वाली रोड बंद भी थी क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था बहुत तगड़ा। और ये देखिए बारिश की बूंदें आने लग गई है। अब दोबारा रुक के रेनकोट पहनना पड़ेगा अपना ताकि बच सके बारिश से। सो गाइस देखिए आप कितनी बारिश हो रही है भयंकर। ये हम पहुंच चुके हैं अभी कोहराब में और यहाँ पर पुलिया से हम हो जाएंगे उस वाली रोड में अल्मोड़ा के लिए। और बारिश तो अच्छी खासी हो रही है अभी। अब गोप्रो को भी अंदर रखता हूँ ताकि गोप्रो में पानी ना जाए गाइस, क्योंकि सेफ्टी तो चाहिए पहले। और ये रोड हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ्ट अल्मोड़ा के लिए। ये देखिए ये जाती है हमारी अल्मोड़ा और हल्की हल्की बूंदे वाली बारिश आ रही है पर अल्मोड़ा में मेरे को लगता है अच्छी खासी बारिश हो रही होगी। मौसम भी खुल रहा है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर बारिश आ रही है। और ये वही वाला एरिया है जो अभी फ़िलहाल में अभी लैंडस्लाइड के उसमें बंद हो गया था। और अल्मोड़ा यहाँ से बसता है 13 किलोमीटर, कसार देवी 26 किलोमीटर, मतलब भयंकर दूरी है अभी। सो गाइस ये देखिए यहाँ तो यहाँ जैसे कि अब अल्मोड़ा वाली मार्केट में पहुँच गए हैं। ये मॉल रोड वाली रोड है और यहाँ बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है, आप देख सकते हैं। ये जाती है आपकी मार्केट होते हुए रोड और यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही। वाह अब यहाँ, अब हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ भी बारिश आ जाएगी। और ये है रघुनाथ सिटी मॉल जो कि अल्मोड़ा का एक लौता मॉल है, पर यहाँ ये मेरे को लगता है हल्द्वानी से बड़ा मॉल है। यहाँ देखिए ये पूरा मॉल है मोती पर। यहाँ डोमिनोज है, बर्गर वर्गर का नहीं है यहाँ। तो ये हम आ चुके हैं अभी कसार देवी वाली रोड में, जो महिला थाना है उसी में आ चुके हैं। और अंग्रेजन लोग भी दिखने लग गए हैं, मतलब हम सही रूट में जा रहे हैं। तो ओए भोले ये वही रोड है पर भाई कसार देवी का रास्ता कहाँ को है, नीचे को। गाइस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ कसार देवी मंदिर, आज तक मैं गया नहीं हूँ यहाँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से दिखा रहा है कसार देवी 5 किलोमीटर। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कसार देवी वाले रास्ते में। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ही पैदल चल के ये ऊपर मंदिर है और काफ़ी घूमना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक बार तो आगे चले गया था, फिर वापस आया, फिर यहाँ पर आया, अब जाके रास्ता मिला है बढ़िया। चलते हैं कसार देवी की, पहली बार आए हुए, बहुत रहस्यमय मंदिर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ पर रॉक्स है ना अलग अलग डिज़ाइन के लिए जो कि बहुत फेमस है, जो यहाँ फ़ोटो खींचती है ना उनके ऊपर बहुत व्यू जो आते हैं उनका मस्त आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमा के, ये देखिए जो आपको भाई दिख रहे होंगे बैठे हुए दो वहाँ पर, और ये पत्थर है और सामने अल्मोड़ा अपना पूरा अल्मोड़ा दिख रहा है। और यहाँ पर से देखिए ऐसे ऐसे रॉक्स हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर चलते हैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सही वीडियोज़ बनती हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप शॉर्ट्स और रील बनाना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया बनती है। एक पत्थर ये रहा, तो भाई लोग बैठे हुए, भाई लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ये देखिए पत्थर यहाँ, मतलब डिज़ाइनदार पत्थर हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे हैं पत्थर हैं। ये देखिए बहुत सही पत्थर हैं, ये देखिए। और ये ऊपर शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर गुफा थी, और वो सामने कसार देवी मंदिर है। हाथ नहीं लगाता हूँ, सामने आपको कसार मंदिर दिख रहा होगा लाल रंग का। और ये पूरा यहाँ से व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ, भाई लोग तो आ गए।
आपको दिखाता हूँ, अब व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी घाटी क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए, है नहीं है मस्त पूरा व्यू के साथ, खतरनाक लग रहा है। आ गए हैं शिव जी के मंदिर में, जो कि पड़ता है कसार देवी से ऊपर। तो आप देख सकते हैं बाहर नंदी महाराज की मूर्ति लगी हुई, और ये सामने आपको मंदिर मिल जाएगा जो कि बंद था। और सामने जहाँ ही मैं जा रहा हूँ वो है शेर की मूर्ति है, जिसका सर कटा हुआ है, और इसका नाम है शार्दूल, शार्दूल बोलते हैं इसे। और देख सकते हैं आप जो ऊपर से आपको दिख रहा है कटा हुआ सर है इनका, और ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है जो कि मंदिर की बाहर ही रखी हुई आप देख सकते हैं। और ये है पूरा शिव जी के मंदिर का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर है नया नया बन रखा है आप देख सकते हैं, और पूरा मंदिर का ये व्यू देखिए। महादेव, जय शंभो, जय हो भोलेनाथ, जय हो। सो गाइस, यही है वो गुफा जहाँ विवेकानंद जी ने अपने ध्यान रखा था, मेडिटेशन करा था यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति है, आप भी यहाँ पर आके मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और देखिए, एकदम मौसम बदल चुका है पूरा कसार देवी का, और ये पत्थर है यहाँ पर क्या मस्त व्यू आते हैं। और देखिए, पूरा फॉग ही फॉग हो गया है, पूरा मस्त हो चुका है। अभी आपको ऊपर कसार देवी वाला मंदिर भी दिखाता हूँ। ऊपर भी शिव जी का मंदिर है, इसी पत्थर के ऊपर शिव जी का मंदिर है, और कसार देवी नीचे है। तो अपने साथ अपना ट्रैवल पार्टनर अनुज के व्लॉग्स। सो गाइस, ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गुफा। तो अभी आपको लेके चलता हूँ सीधे कसार देवी मंदिर और शिव जी के मंदिर में। तो सामने अब हम जा रहे हैं कसार देवी, जो कि मुख्य मंदिर है, जहाँ माता रानी की मूर्ति रखी हुई है। तो अब हम उधर को जा रहे हैं, और बारिश भी आने लगी है, आप देख सकते हैं पूरा काले बादल हो चुके हैं गाइस। और सामने जो हमने आपको व्यू पॉइंट दिखा था, जहाँ पर से बहुत सही सही फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ बनती है पत्थर, तो वहाँ पर कभी आपने देख लिया है। और सामने हम अपना कसार देवी मंदिर का मुख्य मंदिर, और इसके बाद फिर हम चलेंगे घर की तरफ को, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है और जाना भी दूर है, तो कभी भी रिक्स ज़्यादा ले नहीं सकते हम लेट जाके। तो ये है कसार देवी मंदिर, सामने आपको दिख रहा होगा।
सो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे जहां पर हमने अपनी बाइक रखी हुई थी। तो सामने हमने अपनी बाइक रखी थी और वो ऊपर मंदिर था, यहां पर से कम 200 मीटर ही होगा ज़्यादा पैदल पैदल रास्ता। तो वापसी आ चुके हैं अपने बाइकों के सामने, अब चलते हैं घर की तरफ। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग, मतलब ये हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी आपको आजकल बरसात हो रही है तो इस वजह से कहीं हम दूर ट्रैवल कर नहीं सक रहे हैं, तो इस अभी मैं आपको फ़िलहाल अपने हल्द्वानी के जितने भी आसपास लोकेशन है वही दिखा पाऊँगा एक दो महीने के लिए। उसके बाद हमारा एक प्लान बन चुका है अगस्त सितंबर तक, वो भी आपको ज़रूर दिखेगा। तो अभी आप फ़िलहाल हमारे जो पास की लोकेशन है उसका आनंद लीजिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, व्यूज़ बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो ब्लॉग्स को मेरे। सो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले, बाय बाय।